देखा जरा, घर में तिजोरियां सिर्फ हीरे मोती रखने के लिए नहीं होती हैं, घर के जरूरी कागजात के लिए भी होती हैं, रसीदों के लिए होती हैं, सनतों के लिए होती हैं, बर्थ सर्टिफिकेट्स के लिए होती हैं। अब ये सब अलमारी में ना वहां बिखरी पड़ी हुई सब कुछ। अरे सब कुछ रखा हुआ तो है ना इतने अरसे से, कुछ गुम तो नहीं हुआ ना अभी तक? गुम हुआ नहीं, मगर हो तो सकता है ना। जब सब कुछ बेतरतीबी से रखा जाएगा तो जाहिर सी बात है कोई आएगा सफाई करेगा, हो सकता है कि वो कचरा समझ के उसको बाहर फेंक दे या कहीं इधर उधर ट्रैश कर दे फिर। अच्छा अजरा तो जैसे जाहिल गवार है ना, जो कागजात उठा के ऐसी फेंक देगी रंदी की टोकरी में है। और तुम्हारी कौन सी पीएचडी की ऐसी कोई डिग्री थी जो मैंने फेंक दी, ये तो बताओ मुझे जरा। वो तीसरी पोजीशन लेकर आए थे ना एमए में, बस उसी की सनद पड़ी हुई है, वो भी मैंने कोने में सीधे हाथ में छुपा के रखी हुई ऊपर वाले खाले में। और जो तुम्हारे सड़वे नंबर है ना उसके अंदर, उससे तो अच्छा है कि वो गुम ही हो जाए। अच्छा फजूल बातें मत करो, जिस तरह तुमने संभाला है ना मुझे भी पता है। उस दिन वो उम्र का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए था ना, पूरी अलमारी का मलबा जमीन पे गिराया, इधर उधर ढूंढा, फिर जाके वो सर्टिफिकेट मिला, उसको बर्थ सर्टिफिकेट तिजोरी में रखे होंगे ना, तो बड़ी आसानी से वो सारे सामान मिल जाएगा। अगर मुझसे पूछ लेते ना तो मैं झट से बता देती कि कहाँ रखे। असल चक्कर तो कुछ और है। क्या है भाई असल चक्कर, बता, आप बताते हैं। जाहिर है सब कुछ तो तुमने उस बुढ़िया के हाथ में दे दिया है, अब वो चाह रही है कि हमारी चीजों पे भी कब्जा कर ले। और ये जो तिजोरियां बनवा रही है ना, सब पता है मुझे क्यों बनवा रही है। जो पैसे तुम उसको देते हो ना खर्चे के लिए, उसमें से गबन करेगी, चोरी करेगी और अपनी तिजोरियां भरेगी। जरा शर्म करो यार। हाँ वो मौज करे मैं शर्म करूँ, वो एंजॉय करे मैं कुड़ती रहूँ है। अच्छा एक बात बताए मुझे जरा, ये तिजोरियों के अंदर सिर्फ कागजात रखे जाएंगे, उन कागजात के लिए इतनी मुशक्कत हो रही है भाई? नहीं नहीं, उसमें बाकी कीमती चीजें भी रख सकते हैं। हाँ मसलन? हाँ हाँ जेवरात वगैरह। ये अब आए ना तुम असल मुद्दे पे, जेवरात वगैरह। कान खोल के सुन लो तुम जमाल, अपनी एक नाक की कील जो है ना वो भी नहीं रखवाने वाली मैं उस बुढ़िया के पास। मत रखो भाई मत रखो, दराजों में रुलने दो, जो चाहे ले जाए, जिसको जी चाहे ले जाए भाई। क्या ले जाएगा, तुमने कौन से सोने के पहाड़ खड़े कर दिए मेरे लिए, कौन से 9 लाख खिला के दे दिए मुझे, एक दो छोटे छोटे छिलके जैसे सेट ही है, वो भी तुम चाहते हो कि तुम्हारी फुफ्फो उस पर कब्जा कर ले। नहीं दूंगी मैं किसी को कुछ भी, बता दिया मैंने। अजरा तुम बहुत मुंह फट, बद लिहाज, बद तहजीब हो, तुम्हें पता है बात? हाँ सही कहा भाई सही कहा, अजरा तो बहुत ही बुरी है, ना उसको बोलने की तमीज है ना बात करने की तमीज है, सारी तहजीब तो तुम्हारी फुफ्फो में कूट कूट के भरी हुई है। सुई लगाओ ना जब तो खून की जगह वहाँ से तहजीब गिरती है, कूट कूट के भरी हुई तहजीब उनके अंदर। अरे जा कर रहे हो, मेरी बात सुन के जाओ ना पूरी, ये कोई तहजीब है आपकी है? इस तरह बद लिहाज होके चले गए मुंह फेर के बीवी से, ये सब कुछ सिखाया हुआ तुम्हें तुम्हारी फुफ्फो जान ने? आए बड़े कहीं से। ए फुफ्फो तुझे तो कीड़े पड़े,